बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से पहले मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था वर्नियर कैलिपर। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि वर्नियर कैलिपर से हम कितनी लिमिट तक हम किसी भी चीज़ की लेंथ या डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है, उसकी जो मेन जो वर्नियर स्केल है, अगर उसमें 10 डिवीजन है तो आप 0.01 मिलीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गेज जो है ये बहुत ज़्यादा और प्रिसाइज रीडिंग देगा वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा। वर्नियर कैलिपर 1/10 या 1/200 तक दे सकता है, लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इससे भी ज़्यादा हमें स्मॉल रीडिंग शो दे सकता है। ठीक है, इससे इसमें हम और ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट की को मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर जो स्क्रू गेज है ये इसमें 2 स्टड्स होते हैं। ठीक है, एक स्टड फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है। देखें, ये वाला स्टड फिक्स है हमारा, ये मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये वाला ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला मूवेबल हुआ स्टड और ये वाला फिक्स हुआ। अब ये जो यहाँ पे जो हम इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे स्केल नजर आ रहा है हमें, इसे हम कहेंगे मेन स्केल। और जो ये मूव कर रहा है, जो सर्कुलर में है, इसे हम सर्कुलर स्केल कहेंगे। ठीक है, अब आप देखें इसमें भी 100 डिवीजन होती हैं किसी उसमें, और किसी उसमें किसी स्क्रू गेज में 50 डिवीजन होती हैं। तो हमारे पास जो वर्नियर है, स्क्रू गेज है सॉरी, इसमें 100 डिवीजन है। कैसे, अब आप देखें 40, 45 और 50, आपको 50 नज़र आ रहा है लेकिन 50 नहीं है, ये 100 डिवीजन है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखें 0, और ये वाला मेन स्केल का 0 कौन साइड कर रहा है, ये वाला 0, ये वाला 0 कौन साइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कौन साइड कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसे मूव करना है, सिर्फ 1 राउंड लेना है, हमने 1 राउंड लिया, 50 हो गए। ठीक है, 50 होने पे के पे भी हमें जो मेन स्केल की जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट डिवीजन है, वो जो 1 mm है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 100 है। हमने एक राउंड और लिया और एक राउंड और कंप्लीट करने के बाद अब हमें मेन स्केल की फर्स्ट लाइन जो 1 mm है, वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है जो इसके डिवीजन हैं स्क्रू गेज के, वो कितने हुए, 100 डिवीजन हुए। ठीक है, तो हम इसमें इसका लीस्ट काउंट कैसे लेंगे कि स्क्रू गेज कितना फाइंड कर सकता है। लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला आपकी बुक में है, पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है, पिच ऑफ द स्क्रू क्या है कि मैंने आपको बताया है कि 1 mm, ठीक है, 1 mm शो हो रहा है यहाँ पे, और डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ डिवीजन है। तो मेरे जो वर्नियर स्क्रू गेज है उसमें 100 डिवीजन है, क्योंकि 1 राउंड के बाद हमें 1 mm शो नहीं हुआ। सेकेंड राउंड के बाद यानी 2 राउंड ऑफ के बाद हमें वर्नियर स्क्रू गेज की में जो मेन स्केल की लाइन है, फर्स्ट 1 mm, वो हमें शो हुई है। तो इसका मतलब है हमारे 100 डिवीजन है, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.01 mm। ठीक है, और सेंटीमीटर में कितना आएगा, 0.001 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि मैंने जो वर्नियर स्केल था उसमें 0.01 मीटर 1 mm तक हम सिर्फ फाइंड कर सकते थे, लेकिन स्क्रू गेज में हम 0.01 mm तक हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सब ऑब्जेक्ट की हम लेंथ या डायमीटर, और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम इसके ज़रिए मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज के ज़रिए। सो अब हम आ जाते हैं ज़ीरो एरर करेक्शन, जीरो एरर एंड इट्स करेक्शन। ठीक है, हमें पता मालूम हो गया कि इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या है, क्या होता है, ठीक है, उसका स्केलिंग क्या है, ये हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि जीरो एरर एंड जीरो एरर करेक्शन क्या होता है।
इसमें जीरो एरर और जीरो एक्शन में बिल्कुल वही चीज़ है सेम तक ऑलमोस्ट कि जो हमने वर्नियर कैलिपर में हमने पढ़ी थी कि अगर आपका जो स्क्रू गेज है उसकी जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रहा है ठीक है और वो पॉजिटिव है यानी कि राइट पे जा रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव कैसे होगा अगर ब्लो है ठीक है अगर आपका ब्लो नहीं ब्लो है जीरो सर्कुलर स्केल का मेन स्केल से तो आपका ये पॉजिटिव एरर कहलाएगा। इस पॉजिटिव एरर को कैसे फाइंड करेंगे जो भी लाइन इससे कॉन्साइड कर रही है फॉर एग्जांपल वन फर्स्ट डिवीजन कॉन्साइड कर रही है किससे मेन स्केल से ठीक है मेन स्केल से कॉन्साइड कर रही है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से ठीक है और फिर जो भी आपका वैल्यू है जो इंक्रीज होके आ रही है फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर एक्चुअल है ठीक है और 1.1 सेंटीमीटर आपकी लेंथ दी है तो ये क्या हुआ जब एक्स्ट्रा लेंथ आ रही तो क्या वो पॉजिटिव एरर हुआ। इस पॉजिटिव एरर को रिमूव कैसे करेंगे अगर आप और हमें कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव एरर है कि लाइन कॉन्साइड नहीं करेगी मेन स्केल की सर्कुलर स्केल की जीरो से ठीक है जब कॉन्साइड नहीं कर रही है तो मीन्स आपका ये पॉजिटिव एरर है और कैसे कॉन्साइड नहीं कर रही है कि जीरो ब्लो आ रहा है ठीक है ब्लो द मेन स्केल आ रहा है जब बिलो द मेन स्केल आए तो मीन्स पॉजिटिव एरर है। इससे आप मल्टी जो भी एरर आ रहा है फर्स्ट लाइन को उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 mm से और माइनस कर देंगे इस वैल्यू से जो आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है ठीक है एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है उससे माइनस कर देंगे तो यह आपका पॉजिटिव एरर रिमूव हो जाएगा ठीक है। अगर आपका एरर नेगेटिव है और हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव कि आपको जो जीरो है वो अबव आ रहा है ठीक है अबव आ रहा है जीरो मेन स्केल ज्यादा पर आ जा रहा है तो मीन्स जीरो एरर है ठीक है यानी आपकी एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर है और 0.9 सेंटीमीटर दे रहा है तो मीन्स नेगेटिव एरर है एक्चुअल वैल्यू से कम दे रहा है ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे वही सेम प्रोसेस जो भी लाइन कॉन्साइड कर जाए सर्कुलर स्केल की मेन स्केल से अब यहाँ पे देखें कौन सी लाइन कॉन्साइड कर रही 49 कर रही है वो हम माइनस कर देंगे फॉर एग्जाम्पल जो भी कर रही है उसे हम माइनस कर देंगे 0.01 mm से और प्लस कर देंगे जो भी वैल्यू आ रही है इस 0.09 में तो आपका नेगेटिव एरर रिमूव हो जाएगा ठीक है। तो ये था स्क्रू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है और जीरो एरर में भी 2 टाइप्स थी वर्नियर कैलिपर की तरह पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर इसको मैं आपको बताया कि इसको रिमूव कैसे करना है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो मेरी समझ नहीं आई है या कोई भी मेरी बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में मालूम कर सकते हैं और अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।